मातृशक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा व सम्मान गुरुक्षपीठ की परंपरा है, तो इस श्रद्धा भाव की महत्ता को महिला सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए व्यवहारिकता के धरातल पर प्रतिष्ठित करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्येय है। जगत जननी माँ आदि शक्ति की आराधना के विशिष्ट अवसर शारदीय नवरात्र की नौमी तिथि पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ की परंपरा का निर्वहन कर अपने ध्येय को और मजबूती दी। मंगलवार सुबह नवरात्र की नौमी पर सीएम योगी ने विधि विधान से कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों के प्रतीक नौ कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। कन्या पूजन अनुष्ठान में मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री ने मठ के प्रथम तल पर स्थित भोजन कक्ष में श्रद्धा भाव से परंपरागत रूप से नौकुंवारी कन्याओं के बारी बारी पांव धोए, उनके मस्तक पर रोली, चंदन, दही, अक्षत दुर्वा का तिलक लगाया, चुनरी उड़ाकर उपहार एवं दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद लिया, आरती उतारी। पूजन के बाद इन कन्याओं समेत 100 से अधिक कन्याओं व छोटे बालकों को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद योगी ने अपने हाथों से परोसा। नौ कन्याओं के अतिरिक्त सैकड़ों की संख्या में पहुंची बालिकाओं और बटुकों को भी श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दिया गया। कन्या पूजन कार्यक्रम में योगी बाबा का सानिध्य पाने के लिए नन्ही बालिकाओं व बटुकों का उत्साह उमंग देखते ही बन रहा था। सत्कार और स्नेह के भाव से मुख्यमंत्री ने एक एक कर नौ कन्याओं व बटुक भैरों के पांव पखारे और पूजन किया। इस दौरान सीएम के हाथों दक्षिणा मिलने से सभी काफी प्रफुल्लित थे। पूजन के बाद भोजन परोसते समय सीएम योगी बच्चों से निरंतर संवाद और टिटोली भी करते रहे, यह भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी बालक बालिका की थाली में भोजन प्रसाद की कोई कमी ना रहे। इसे लेकर वह मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कन्या पूजन अनुष्ठान करवा चुकी कुंवारी कन्याओं ने कहा, घड़ी घड़ी आ रहा है।
बर्थडे में आएंगे, मैंने उनको बोला है कि आप मेरे बर्थडे में जरूर आएंगे। स्मृति पांडे, अच्छा लगा।